एक गुरुजी ने कथा शुरू करी, कथा शुरू करी और 30 दिन तक उसने 30 दिन तक कथा करी और 30वें दिन भोग डालना था उस कथा का। उन्होंने सोचा था ज्यादा लंबी खेचूंगा तो गणे पैसे आओगे, धन आओगा। उधर से उसी गांव में कुछ शरारती लोग भी थे, अगुवाई तक दादाजी यू ब्राह्मण गुरुजी भोग लाओगा और भाई गांव सारा कट्ठा होकर बनवाने दो दो चार चार दस दस रुपये तो चढ़ावेगा, इसका घने पीछे आ जाएंगे, तुम नो करो और ड्रामा रचते। उन्होंने क्या किया, दिल्ली से एक चंपाकली नाम की डांसर ले आए। उस दिन तक कथा का भोग, उस दिन सुबह उन्हें चमटा रोप दिया उड़ा। अब सारा गांव उस चंपाकली दौरे जा खड़ा हुआ और उस ब्राह्मण के 30 दिन में 30 रुपये आए और चंपाकली के आए 500 रुपये चांदी के। अब उस पंडित जी ने उस गुरु जी ने माथे माथ मारा, अकमन 30 दिन तक तो गला पड़ाया, कथा सुनाई, मेरे 30 रुपये और वह निकम्मी लड़की 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, है थरा गजब हो गया। रोता पीटता लेकर उन 30 रुपया नर चल पड़ा। अगर रास्ते में उसने सुना किसी से कि यहां गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे महापुरुष आए हैं, उनको परमात्मा मिले थे, बहुत अच्छे ज्ञानी पुरुष हैं, किसान हैं। अब उसने सोचा चल छुड़ानी में कर निकल लेते हैं और उस महाराज जी से अपना दुख रोऊंगा, देखी सा जमाना आ गया, मैं तो कथा करूं था, मेरे पास 30 रुपये आए और चंपा के लिए 500 रुपये लेगी। मतलब उस वो आया था यूं सोच के कहने के लिए, मतलब बताना नहीं चाहता था लेकिन सोचा था कि कोई डिस्कस करूंगा। तो गरीबदास साहेब जी के पास आगे राम रमी हुई, कुशल मंगल हुआ, बैठ जाओ पंडित जी। अब पंडित जी बैठा दिया, गरीबदास जी बैठे थे और 20-30 गरीबदास जी के पास गांव के गवांड के आसपास के उनके भगत आ जाया करते सुबह सुबह, वह भी बैठे थे, यानी अगले दिन वहां शाम की बात है, वह भी बैठे थे। वो चल के वहां शाम तक पहुंच गया, उधर रात वहीं रुक गया। तो वो क्या कह रहा है वो पंडित जी, महाराज जी बस घोर कलयुग आ गया, नाश जाएगा, नाश जाओगा जमाने का, सारी दुनिया का नाश होगा, बात बिगड़गी। अब न्यू ना बतावे बिजली के पड़ रही है, किस कारण से है, क्यों दुखी हो रहा है। तो वो शिष्य बोले गरीबदास जी को, जी क्या तकलीफ होगी इनको, ब्राह्मण जी घने दुखी दिखाई देते हैं। अब गरीबदास जी कहने लगे, भाई फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश और चंपाकली को 500 और मुनिराम को 30 बैरोला यू पड़ रहे। अब मुनिराम था उस ब्राह्मण का नाम, वो पैसे के चक्कर में स्वयं तो पर पैसे के चक्कर में 30 दिन लंबा खेचा उसने और उलाना दे रहा हो रात है। तो क्या बता गरीबदास जी ने कि भाई फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश। गरीबदास जी कहते हैं यहां का भगवान ये ज्योत निरंजन, इसके सारे उल्टे काम, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, भाई वैस्या उड़ है मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैस्या उड़ है मुल मुल खासा गल मोतियों के हार, पति भरता को मिले न खादी यू सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब उसी दृष्टि से गरीबदास साहब जी कह रहे हैं फूटी ज्ञान विवेक की
कि विवेक रहा नहीं जनता में और अंधा यहां का जगदीश। और क्या चक्कर है भाई, कहते हैं चंपा कली को मिले पान सर इस मनी राम ने तीस। अब उस पंडित जी ने बताई भी नहीं थी ये बात। अब गरीबदास साहिब जी ने जब यह सारी कथा बिना ही सुने कह दी तो उस मनी राम जी ने चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ के नो बोला हे भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, हे भगवान यो कैसे इस जनता का कैसे उद्धार होगा। परमात्मा बोले भाई तुम बिगाड़ को ना उद्धार तो तुम ना होने दो, तुमने कह कह का बेरा को ना तुम करते पर वो कथा है नानक कम्यो। अब जैसे पुण्यात्मा विचार करो ये तैसे कथा बात सके। अब क्या बताते हैं कि करनी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात ये कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित हो। Oh, oh, oh.